Hello everyone, hope you are doing well. Today I am going to share an amazing demo of sales management tool through which you can manage all your business, all your sales log at one place. Guys, कितना amazing हो अगर आप सिर्फ एक क्लिक के अंदर पता कर सके कि आपकी कौन सी लीड किस स्टेटस के अंदर है, कौन सी लीड के ऊपर आपको ज्यादा फोकस रखना है, कौन सी लीड आप विन कर चुके हैं यानी कौन सी लीड आपके क्लाइंट में कन्वर्ट हो चुकी है, एंड विद इन वन क्लिक आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए विद टोटल रेवेन्यू जो आप जनरेट कर चुके हैं एंड टोटल रेवेन्यू जो आप जनरेट कर सकते हैं. Isn't it amazing? So today I am going to describe you, today I am going to give you a short demo of this tool. Please have a look. Yes guys, as you can see कि ये पूरा सिस्टम आपको मिलेगा जिसके यहाँ पे आप अपनी कंप्लीट डिटेल्स यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, लाइक कंपनी नेम, डेट क्रिएटेड, कौन सी डेट को आपकी लीड आई है आपके पास, आपका कौन सा एम्प्लॉय उस लीड को हैंडल कर रहा है, राइट, कौन सी स्टेटस के अंदर अभी आपकी लीड है, लाइक डेमो, फॉलोअप, वॉन, लॉस्ट, क्वालिफाइड, अनक्वालिफाइड, और कौन सी डेट को आप लास्ट मॉडिफाई कर रहे हैं, लेट मीन्स आपकी आज लीड आई है, इट्स ऑन 18th, राइट, 18th में, लेट सपोज आज आपकी लीड आई है एंड आपको नेक्स्ट फॉलोअप ने 20th मई को करा है, तो आप यहाँ पे 28th में लिख देंगे और यहाँ पे आएगा 18th में, राइट, कौन से अमाउंट यानी कौन से प्रोडक्ट के लिए आपके पास लीड आई है एंड वो अप्रोक्सीमेटली क्या कॉस्ट रहता है, यानी कितने अप्रोक्सीमेटली कितनी कॉस्ट की लीड आपके पास आई है, सो यहाँ पे आप अमाउंट एंटर कर सकते हैं, सो दैट यू कैन मैनेज कि आपके पास कितना बिजनेस आया हुआ है, कितना बिजनेस आपके पास आना बाकी है, राइट, एंड यहाँ से आप अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप इसको यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, लाइक नेम, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर, स्ट्रीट एड्रेस एंड द कंप्लीट थिंग, राइट गाइज, इट्स अ काइंड ऑफ मिनी सीआरएम टू जिससे आपकी लीड्स मैनेज भी हो रही है, प्लस यहाँ पे आप अपने पूरे सेल्स लॉग को मैनेज कर पा रहे हैं कि आपकी कौन सी लीड अभी कौन से स्टेटस पे फॉलो कर रहे हैं. गाइज द मेजर पार्ट इज द मोस्ट अमेजिंग पार्ट जो मैं भी आपको शेयर कर रहा हूँ, लेट सपोज यहाँ पे हम एक क्वांटिटी लेके चलते हैं, इट्स कॉल्ड डेमो, राइट, डेमो के यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी है, 4, 1, 2, 3 and 4, 4 लीड्स अभी डेमो प्रोसेस के अंदर है, तो जब भी आप यहाँ पे द फर्स्ट शीट के अंदर आप जाएंगे, इट्स कॉल्ड सेल्स डैशबोर्ड, यहाँ पे आपको कंप्लीट ओवरव्यू मिलेगा आपका कंप्लीट डेटा का, राइट, दिस इज द कंप्लीट शीट, यहाँ पे आपको पता चलेगा अभी आपकी ओपन अपॉर्चुनिटीज, ओपन अपॉर्चुनिटीज मीन्स जो क्वालिफाइड स्टेटस के अंदर है, फॉलोअप स्टेटस के अंदर है, डेमो के अंदर है या नेगोशिएशन के अंदर है, इन 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 फोर पॉइंट्स के अंदर जो भी आपकी लीड्स होंगी उन सबका टोटल रेवेन्यू कितना आपका है, राइट, सो लेट सपोज दिस इज द थिंग जो आप अर्न कर सकते हैं, यानी ये वो लीड्स हैं जो भी रेवेन्यू आप अर्न कर सकते हैं इन सब की तरफ से अभी आपकी लीड ओपन है, राइट, द नेक्स्ट इज अनक्वालिफाइड एंड लॉस्ट, यानी ये बिजनेस जो हमारा जा चुका है या तो हम उस क्लाइंट को सेटिस्फाई नहीं कर चुके हैं या फिर उस क्लाइंट ने हमें मना कर दिया कि नहीं हमें आपका प्रोडक्ट नहीं चाहिए, राइट, सो दिस इज द टू थिंग एंड द थर्ड थिंग इज वन, यानी आप अपने कितने बिजनेस आप अपनी लीड्स को एग्जैक्टली क्लाइंट्स में कन्वर्ट कर चुके हैं एंड दिस इज द कंप्लीट ओवरव्यू जहाँ पे आपको अमाउंट मिलेगा कि आपके कितना अमाउंट का बिजनेस आप कर चुके हैं, लेट्स सपोज ये 28,000 का बिजनेस आ चुका है, क्लोज अपॉर्चुनिटीज यानी 26,000 का बिजनेस हमारे हाथ से जा चुका है एंड 2,30,000 मीन्स ये हमारा बिजनेस हमारे पास अपॉर्चुनिटी है टू अर्न दिस, इतनी लीड्स हमारे पास है कि हम इतना अमाउंट का पैसा अभी अर्न कर सकते हैं और इन लीड्स के ऊपर हम वर्क कर सकते हैं, राइट, लीड्स का जो भी स्टेटस होगा वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली काउंट हो जाएगा, लेट सपोज यहाँ पे अगर हम लेके चले फॉलोअप में हियर इज शोइंग 2, राइट, अगर हम अपने डेटा के अंदर चलते हैं, डेटा के अंदर हम किसी भी चीज को एक फॉलोअप के अंदर कन्वर्ट करते हैं, लेट सपोज इस 1 को हम एम्प्लॉय को इसको हम फॉलोअप प्रोसेस के अंदर डाल देते हैं, राइट, इट्स कॉल्ड डिलाइट कंपनी, राइट, जैसे हम सेल्स लॉग के अंदर जाएंगे फॉलोअप में आप देखेंगे इट्स बिकम 3, 2 से वो 3 में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे आपका टोटल अमाउंट आपका ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा एंड फ्रॉम देयर इट विल ऑटोमेटिकली एडजस्ट हियर, राइट, और यहाँ पे आपको कंप्लीट डेमोग्राफिक्स मिल जाएगा कि आपकी कौन सी लीड कितने स्टेटस के अंदर है, कितने परसेंटेज का जो आपका लीड है, जो कितनी परसेंटेज की आपका जो अमाउंट है वो भी यहाँ पे किस स्टेटस के अंदर है, आइदर इट्स ऑन डेमो, क्वालिफाइड, फॉलोअप, अनक्वालिफाइड और लॉस्ट और वॉन, राइट, ये यहाँ से आपको कंप्लीट ओवरव्यू मिल जाएगा कि आपकी कंप्लीटली सेल्स कितनी रिमेनिंग है, कंप्लीट सेल्स क्लोज हो चुकी है, कंप्लीट सेल्स आप वॉन हो चुके हैं, यानी कंप्लीट क्लाइंट्स को अपने लीड्स को अपने क्लाइंट में कन्वर्ट कर चुका है, यहाँ पे आपके कंप्लीट ओवरव्यू आ चुका है यहाँ पे, राइट, द अमेजिंग पार्ट इज दैट दिस इज द टू थिंग जहाँ से आप अपने कंप्लीट सिस्टम मैनेज कर सकते हैं, इट्स अ वेरी सिंपल टूल जहाँ पे आपको सिर्फ अपने डेटा एंटर करना है एंड इट विल ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली आपके सारा डेटा का एक्यूमुलेशन फॉर्म के अंदर आपकी सारी डिटेल्स यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगी, राइट, सो दिस इज द वे जहाँ से आप कंप्लीटली मैनेज कर सकते हैं एंड नाउ फॉर द नेक्स्ट पार्ट गाइस, दिस इज द टूल जो आपको एक कंप्लीट आपको शीट मिलेगी यहाँ पे, इट्स ऑन गूगल डेटा स्टूडियो, राइट, जिसके अंदर आप कंप्लीटली अपनी शीट्स को मैनेज कर सकते हैं, ऑप्टिमाइज कर सकते हैं एंड कंप्लीटली हैंडल कर सकते हैं, लेट सपोज इट्स ऑन अपॉर्चुनिटी स्टेजेस, आपकी कौन सी अपॉर्चुनिटीज के अंदर आप देखना चाहते हैं अपनी लीड्स को, लेट सपोज मैं देखना चाहता हूँ कि जो मेरी लीड सिर्फ क्लाइंट में कन्वर्ट हो चुकी है मैं सिर्फ उनको देखना चाहता हूँ, तो लेट सपोज मैं यहाँ पे करता हूँ ओनली, राइट, सी यहाँ पे कंप्लीट डेटा में से मेरा कंप्लीट ओवरव्यू होगा एंड कंप्लीट ओवरव्यू में से मुझे वो सारा डेटा मिल जाएगा जो लीड्स मेरी क्लाइंट में कन्वर्ट हो चुकी हैं, राइट, लेट सपोज अगर मैं यहाँ से डेटा चेंज करता हूँ, गोइंग टू द अपॉर्चुनिटी एंड लेट सपोज मैंने ये वाला डेटा
कम्प्लीटली वन के अंदर अगर मैंने चेंज कर दिया राइट, दिस कॉल्ड अर्नेस्ट टेक्नोलॉजीज राइट. एज सून एज आई गो इन टू डेटा स्टूडियो आई रिफ्रेश द डेटा राइट, वन सेकेंड. एज सून एज आई रिफ्रेश द डेटा एज यू कैन सी दैट 3 बिकम्स 4. All the details will automatically grab. सारी details अपने आप वो accumulate हो जाएंगी और यहाँ पे आपको within one click आपको सारा details आपको मिल जाएगा. कैसे? Let's suppose I want unqualified leads only. See, I will get all the unqualified leads जो मेरे हाथ से business जा चुका है अभी, जो मैं business नहीं मिला मुझे, right? वो अगर मैं unqualified and lost का business देखना चाहता हूँ, and just go and just click it, all the data आप यहाँ पे आ जाएगा, right? मैं यहाँ पे सबको accumulate कर देता हूँ, one second. See, so this is the all data what we are having. Now, if we want to, I want to see the manage ki meri last month mein meri kitni sale hui hai. So I can also control via date, right? Let's suppose I want to manage from 1st May to 31st May and it's on apply. See, I will get the all the details of all the status of client, all the status of leads at one place and how much amount it is, right? And it's from 1st May to 31st May. ऐसे ही अगर मैं सिर्फ अगर चाहता हूँ कि सिर्फ वन स्टेजेस के अंदर मैं चाहता हूँ राइट, कि मेरे को सिर्फ वन का ही डेटा मिले और 1st May के अंदर यानी 31st May के अंदर बीच में कितना, लेट मीन्स कि मेरी वन मंथ का टोटल रेवेन्यू अभी तक कितना जनरेट हुआ है वो मुझे एक बार में पता चल जाए. सो यू कैन सी यहाँ पे मुझे एक बार में पता चल जाएगा कि वन स्टेटस में पता कर रहा हूँ और वन मंथ में पता कर रहा हूँ. नीचे मैंने देखा तो रेवेन्यू मेरे यहाँ पे ऑटोमेटिकली अपने आप आ जाएगा कि 17,000 का रेवेन्यू जनरेट हुआ है टू लीड्स के साथ हुआ है, यानी मेरे पास दो लीड्स थी जो क्लाइंट में कन्वर्ट हुई है एंड उनका टोटल रेवेन्यू मुझे 17,000 right? अगर मैं यहाँ पे लॉस्ट का अगर डेटा देखना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे जस्ट लॉस्ट क्लिक करूंगा, लॉस्ट ओनली. एज यू कैन सी 1st मई टू 31st मई के बीच में मेरी एक लीड लॉस्ट हुई है जिसका रेवेन्यू 8,000 था एंड इट्स ऑन काउंट इन वन राइट. ऐसे ही आप सारे मल्टीपल लीड्स में एक्यूमुलेशन देख सकते हैं, यहाँ से आप रीसेट कर सकते हैं, आपका सारा डेटा वापस से दिखने लग जाएगा. थ्रू दिस यू कैन मैनेज ऑल योर डेटा एट वन प्लेस एंड It isn't it amazing कि आप सिर्फ एक क्लिक कर रहे हैं और उस क्लिक के बाद ऑटोमेटिकली आपका सारा डेटा ऑटोमेटिकली evaluate हो रहा है. Our team will help you how to install, how to set up this tool according to your sheet, right? So in this way you can manage all your leads, all your sales log at one place. Guys, as Ankit says, sales is an art, right? अगर if you want to grow your business, definitely you need to focus on your sales. और हम offer नहीं कर सकते एक भी leads को lost होने के लिए, right? We cannot lose single lead because it directly impact on our revenue, right? And to start, scale, establish and automate your business, definitely you need funds to grow your business. Start investing in your mindset and start investing into your business so that it will help you to grow your business like anything. Please subscribe this channel so that you can get to know more about automation tools, more about sales psychology, more about motivation, and more about how you can start, scale, establish, and automate your business, right? Because me and my business partner, we both are working and we have created this 5 SPA model through which you can manage all your business and start your business from base to ultimate level. And we will help you to grow your business like anything. We have everything for you, whatever you need to start, scale, establish and automate your business. So right, so stay tuned with us and don't forget to subscribe the channel and keep smiling, stay blessed and stay safe from corona. Keep smiling.